हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर सेफ एट योर होम एंड डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली. स्टूडेंट्स, हम सेकंड पार्ट में, लेसन थर्ड की सेकंड पार्ट में हमने फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स, जिसमें फर्स्ट क्या किया था हमने, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट्स, कैसे जो राष्ट्रीय सरकार है हमारी उसको सिलेक्ट करते हैं. सेकंड वर्क हमने किया टू कंट्रोल गाइड इन्फॉर्मेंट गवर्नमेंट, कैसे सरकार को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे गाइड किया जा सकता है और कैसे सूचना प्राप्त की जा सकती है. और थर्ड वर्क करेंगे हम अब लॉ मेकिंग, कानून कैसे बनाया जाता है या कानून बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या है. लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, कानून बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संसद का. वी शैल रीड अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे. वो आर द पीपल ऑफ द पार्लियामेंट, संसद में कौन लोग होते हैं. या अब इसके पार्ट तो अब तक हमने पढ़े लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन ये होते कौन है वैसे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है. जो मेंबर है पार्लियामेंट के, यहाँ पर अलग अलग संख्या इनकी बढ़ती जा रही है. फॉर एग्जांपल, देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज आल्सो मेंबर फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज, कई ऐसे मेंबर्स हैं जो रूरल एरिया से जुड़े हुए होते हैं और उनकी अपनी रीजनल पार्टी होती है. वो कोई नेशनल पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं, उनकी अपनी रीजनल क्षेत्रीय पार्टी होते हैं. वो भी कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो सकते हैं. ग्रुप एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट. तो इस प्रकार कुछ रीजनल पार्टीज को जो मेंबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कुछ ग्रुप्स के, और कुछ दूसरे लोग यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के अलावा अन्य व्यक्ति जिनका संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे. यानी कि वो पहले पार्लियामेंट का पार्ट नहीं थे, लेकिन अब वो क्या बनकर आए हैं, मेंबर चुनकर, चुने जाने के बाद, इलेक्ट होने के बाद पार्लियामेंट का पार्ट बन गए हैं. देयर हैज आल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस. पहले दलित और बैकवर्ड क्लास को ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, तो उनको चुनाव में या इलेक्शन में खड़े होने का भी पावर नहीं थी. तो धीरे धीरे दलित और बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिल रहा है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होने का भी मौका मिल रहा है. लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शन डिफरेंट ईयर. अलग अलग सालों में होने वाले लोकसभा के इलेक्शन में कब कितने परसेंटेज लोगों ने वोट डाले, इसके बारे में हम टेबल में रीड करेंगे. जैसे फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ हमारा, फर्स्ट इलेक्शन आप सबको पता है, हमें आज़ादी 1947, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए. 1950 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, कंप्लीट हुआ, और फिर हमने अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया. फर्स्ट इलेक्शन 1951 से 2 में, ये 51 और 2 क्या है कि 51 का लास्ट टाइम चल रहा था नवंबर दिसंबर सेप्टेम्बर से लेके, और 52 की स्टार्टिंग थी. तो अगर पूछा जाए जो फर्स्ट इलेक्शन है इन इंडिया वो हेल्ड कब किए गए थे, 1951 से 52 के, तो तब कितने लोगों ने वोट डाली थी, 61.16%. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेकंड और थर्ड के बारे में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ये पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और इन फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्शन में वही पार्टी को बार बार इलेक्शन में जीत मिलती आ रही थी, और लगभग इतने ही लोगों ने वोट डाले थे, ये 61.33. लेकिन फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ के बाद जैसे फिफ्थ में परसेंटेज कम होगी, फिर सिक्स्थ में बढ़ी, फिर टेंथ में, फिर फोर्टीनथ में बढ़ी, और सिक्सटीन में. अब जो हम इलेक्शन जो 17th है 2019 में, अब 17th लोकसभा है 2009 में, उसमें में भी लगभग 65-67 के आसपास ही परसेंटेज वोटिंग की थी. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया,
दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। इस प्रकार जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लोक प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, वो अपने आप में समाज को पूरे पूरे समाज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि जो समाज के अंदर है कंप्लीट परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है किसकी, पूरे समाज की। वो कुछ लोगों का ग्रुप है जो इलेक्शन में है, रिप्रेजेंटेटिव है। देयर इज ए रियलाइजेशन, क्या रियलाइज किया गया, व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज दैट हैव बीन हिस्ट्रिकली मार्जिनलाइज आर गिवन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या बात हमारे सामने आई है कि लोगों के इंटरेस्ट, लोगों के क्या इंटरेस्ट जब अलग अलग हैं, एक्सपीरियंस जब अलग अलग हैं, तो उनको सेपरेट इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उनको अलग अलग इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। और अलग कम्युनिटीज, अलग समुदाय के लोगों की जो मार्जिनलाइज हैं, जिनको थोड़ा सा साइड में रखा गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली गई है, ऐसे लोगों के भी प्रतिनिधियों को क्या मिलना चाहिए, प्रतिनिधि इलेक्ट किए जाने चाहिए। सम सीट्स आर रिजर्व इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोगों के लिए जो माइनॉरिटी में हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, उनकी सीटें रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं, जैसे एससी और एसटी। एससी में यहाँ कितने सीट हैं, 84 सीटें हैं, और एसटी के लिए यहाँ पर 47 सीट हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई हैं, कहाँ, पार्लियामेंट के अंदर। दिस हैज बीन डन सो द एम पीज इलेक्टेड फ्रॉम दीज कंस्टिट्यूएंसी विल बी फेमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो दलित लोग हैं या जो आदिवासी लोग हैं, उनकी तरफ से अपने मेंबर क्या किए जाने चाहिए, इलेक्ट हो जाने चाहिए। इसीलिए उनके एससी शेड्यूल कास्ट के लोग और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देने का क्या दिया गया है, ओकेजन दिया गया है, अवसर दिया गया है। सिमिलरली इट हैज मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन। तो इसी तरह से जैसे एससी और एसटी की सीट को रिजर्वेशन किया गया है, औरतों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। जैसे पहले आपने 6th क्लास में रीड किया होगा कि वुमेन्स को और पुअर पीपल्स को वोट डालने का राइट नहीं दिया गया था, जो राइट था वोट डालने का वो नहीं मिला था। लेकिन जैसे जैसे एससी और एसटी की सीटें रिजर्व की गई, तो ऐसे ही सजेस्टेड किया गया, सलाह दी गई कि जो वुमेन्स हैं उनकी भी सीट क्या होनी चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए। एंड दिस इश्यू इज स्टिल बींग डिबेटेड, इसके कई बार डिबेट किया गया इस इश्यू पर, मुद्दे पर। 60 ईयर एगो, 60 साल पहले ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमेन, यानी कि 4% औरतें ही भागीदार होती थी पार्लियामेंट के अंदर या MPs का जो मेंबर बन पाती थी। टुडे इट्स जस्ट अबो 11%, और आज आज़ादी की 70-75 ईयर्स के लगभग हो चुके हैं, तो 11% वुमेन्स की कितनी है, 11% है। दिस इज ए स्मॉल शेयर, ये औरतों की जनसंख्या तो लगभग इक्वल है, जितने पुरुष हैं जितने, लगभग सभी स्टेट्स में औरतें भी इतनी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। दिस इज ए स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन्स। जब आधी जनसंख्या औरतों की हो सकती है, तो जो औरतों का पार्टिसिपेशन है वो इतना कम क्यों है, तो इसके लिए वुमेन्स के लिए क्या की गई, रिजर्व की गई सीटें। इट इज इश्यू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स ऑफ द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड ओपन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन अबाउट वेदर आवर डेमोक्रेसिक सिस्टम्स इज रिप्रेजेंटेटिव एनफ। तो कई बार क्या है, ये मुद्दा या मामला उठाया जाता है कि महिलाओं के लिए भी जो आरक्षण है या महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है, वो हमारे देश में कई अनसुलझ देश वालों से अब भी अनसोल्ड क्वेश्चन है, वो अब भी हमारे सामने चैलेंज के रूप में खड़े हैं, यानी कि अब भी ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्यूशन नहीं कर पाए हैं। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हमारे देश के अंदर लागू है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव किया गया, यानी प्रतिनिधियों के रूप में हमारे लोगों की तरफ से
जो मेंबर वो इलेक्ट किए जाते हैं। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड आर वर्किंग टुवर्ड आंसर इज रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार हम ये आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, वास्तव में जो क्वेश्चन है इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो डेमोक्रेटिक रूल्स है, लोकतांत्रिक शासन है, इसकी जो ताकत है, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है या जो पावर का रिफ्लेक्शन है, क्या इसमें लोगों की आस्था झलकती है, क्या इसमें जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है सरकार की, लोकतांत्रिक रूप है सरकार का, क्या लोगों का इसमें विश्वास है। तो इसी के आधार पर हमने ये लेसन रीड किया है कि लोग अगर डेमोक्रेसी के अंदर जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इलेक्ट करते हैं तो क्या लोगों का विश्वास हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर बना हुआ है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे और लेसन थर्ड हमारा कंप्लीट हुआ और लेसन को अच्छी तरह से समझा होगा।